हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे बिहार DLRS 2023। तो यह जो है DLRS का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसके अंतर्गत जो है स्पेशल सर्वे क्लर्क के लिए वैकेंसी दिया गया है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं 13 अप्रैल 2023 से 12 मई 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इसके अंतर्गत जो है 744 सीट उपलब्ध है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, इसलिए इसके अंतर्गत जो है एक फिक्स्ड ऑनेरियम 25,000 पर मंथ दिया जाएगा। एज लिमिट इसमें जो है 21 to 37 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी के लिए और BC कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स और SC ST कैंडिडेट के लिए 42 ईयर्स एज लिमिट है। तो जो स्टूडेंट दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एज लिमिट जो है 21 to 37 ईयर्स के बीच में आपका होना चाहिए। एज ऑन 1 जनवरी 2023 को आपका ये 21 to 37 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें जो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी विषय में आपको स्नातक होना चाहिए। तो इसमें सिलेक्शन जो है सिलेक्शन प्रोसेस एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। तो इसमें 3 सब्जेक्ट आपको इसमें CVT में रहेगा। पहला जनरल स्टडी 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का रहेगा, मैथ 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का और मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग ये 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल जो है 150 क्वेश्चंस 600 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए टाइम जो है 2 आवर 15 मिनट का आपको टाइम इसमें दिया जाएगा। तो मीडियम इसमें निगेटिव मार्किंग जो है 1 मार्क आपका इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा और मीडियम हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों में से कोई एक मीडियम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और बुक्स एंड स्टडी इसके लिए हम लोग कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे और अपना स्टडी किस तरह से बनाएंगे, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्टडी काफ़ी मायने रखता है। आप कैसा स्टडी बनाते हैं उसी पर आपका सक्सेस निर्भर करता है। तो इसमें आपका जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी ये ग्रेजुएट लेवल का आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा और मैथ जो है आपका रहेगा मैट्रिकुलेशन लेवल का रहेगा। तो इसके लिए आपको जो है ग्रेजुएट लेवल का आपका तैयारी होना चाहिए, तो SSC CGL लेवल का जो है आपका तैयारी होना चाहिए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हाउ टू क्रैक SSC CGL, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ रहेगा, आप जा कर के देख सकते हैं। इसमें डिटेल में आपको बताया गया है हर एक पेपर के लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे और अपना स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे ताकि इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।